हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम पर्यावरण और हम के बारे में जानेंगे। इसके लेखक है राजीव गर्ग। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इसके लेखक है कि हिंदी भाषा में विज्ञान संबंधी पुस्तकों का काफ़ी अभाव देखा गया है। विज्ञान संबंधी प्रामाणिक पुस्तकों के अभाव को देखते हुए युवा वैज्ञानिकों ने आशाप्रद प्रयास किया है। यह राजीव गर्ग ने इस समस्या के हर पहलू पर बहुत व्यापक प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण और हम में राजीव गर्ग ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, मतलब उसे शुद्ध रखना चाहिए, एनवायरनमेंट को। पिछले कई दशकों से प्रदूषण की समस्या गांव से लेकर विश्व स्तर तक फैल गई है, मतलब पूरे संसार में फैल गई है कि पर्यावरण प्रदूषण। इस समस्या को सुलझाने के लिए लोग काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। प्रदूषण पर्यावरण के लिए अभिशाप है, मतलब वह श्राप है, हमारे नुकसान भी कर सकती है कि यह प्रदूषण। इन्हीं बातों को बताने का प्रयास इस पाठ में समझाया गया है। पाठ यह है कि पर्यावरण और हम पाठ में पर्यावरण में फैल रहे प्रदूषण की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। प्रदूषण किस तरह समस्या लेकर हमारे सारे विश्व में फैल रहा है। प्रदूषण इस समस्या के सुलझाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक, बुद्धिजीव, राजनेता और प्रबुद्ध नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं, मतलब प्रयत्न कर रहे हैं कि समस्या का समाधान किस तरह निकालें, और यह प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया को किस प्रकार इस समस्या से मुक्त कराया जाए। प्रदूषण का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण में हानिकारक और अवांछित अपशिष्ट पदार्थों का पैदा होना। पर्यावरण का अर्थ क्या है? प्रदूषण का अर्थ क्या है? पर्यावरण में हानिकारक और अवांछित अपशिष्ट पदार्थों का पैदा होना। प्रदूषण का तात्पर्य यह है कि जल, थल और वायु में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का सम्मेलन। जल माने पानी, थल माने धरती और वायु यानि एयर, इन सारे चीज़ों में प्रदूषण का होना। यह उपयोगी पदार्थों की कमी या विलोपन होना। पर्यावरण में हानिकारक अवांछित अपशिष्ट पदार्थों का पैदा होना। इस पदार्थों को पैदा होने से जल और वायु और भूमि के दूषित होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य यानी सभी का हेल्थ खराब हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट यह बताता कि पर्यावरण के कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व के 60 देशों में प्रदूषण से संबंधित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 5 भयंकर प्रदूषकों का सल्फर डाइऑक्साइड और निलंबित धुआं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की मात्राएं मापी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह प्रदूषण के कई प्रभाव हो सकते हैं कि जैसे कि प्रदूषण का प्रभाव किस किस पर पड़ सकता है जानेंगे अभी हम। पहला तो वायु प्रदूषण का प्रभाव किस तरह होगा हम पर, इसका देखेंगे हम। विश्व की 80% से अधिक जनता AC और वायु में से सांस लेते हैं, जिसमें विषैली गैस होते हैं। जिन शहरों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक है वे हैं मिलान, शेनियान, तेहरान, सोल, रामो डी जेनेरो, पेरिस और बीजिंग और मैड्रिड। नदियों में भी इस तरह का प्रदूषण फैल रहा है। संसार की 10% नदियां प्रदूषित हो चुकी है। इस नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण है कि उनके किनारों पर बसे घने आबादी वाले शहर, मतलब नदियों के किनारे शहर बसना, बढ़ते हुए औद्योगिकरण से नदियों पे तेज़ी से प्रदूषित होते जा रहे हैं। औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रीज जो कंपनीज खोलते हैं, धुआं उनका कूड़ा कचरा नदियों में फेंकते हैं, और हम भी नदियों में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, इससे भी नदियों में प्रदूषित फैलता है। फूल डालते हैं, पत्ते डालते हैं, इस तरह का हम लोग खुद हमारे नदियों को दूषित कर रहे हैं। तीसरा है प्रकृति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि सुंदर दृश्य विकृत और छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यदि कोई प्रदूषक वातावरण के एक भाग पर प्रभाव डालता है तो दूसरे भागों पर भी बुरा प्रभाव
पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर वायु और नदियों में किस तरह प्रदूषित कर रहे हैं, उसी तरह प्रकृति भी प्रदूषित होते जा रही है। भव्य इमारत मतलब बड़े बड़े इमारतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। जैसे कि ताजमहल है, यहाँ भव्य इमारत एक दर्शनीय स्थल है, परंतु यह सफ़ेद संगमरमर से बनी यह ताजमहल चांदनी रातों में यह दुधिया रंग में यहाँ नहा जाती है और हमारे मन को मोल लेती है। लेकिन मथुरा तेल शोध कारखाने और आसपास में बनी फैक्ट्रियों के धुएं से इसकी चमक फीकी पड़ने लगी है, क्योंकि वह सफ़ेद संगमरमर की है। धुआं से क्या होता है, वो गंदा दिखता है। वायुमंडल तथा धरती के तापमान पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि कारखानों, मोटरों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों में भांति भांति के ईंधन जलाते रहते हैं। इन ईंधनों से भी ईंधन ऑयल निकलने वाले धुएँ से वायुमंडल का संतुलन प्रभावित होता है। ईंधन जलाते हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, जो धुआं और धूल हम वायुमंडल में भेज रहे हैं, उसके कारण सूरज की गर्मी ही तापमान बढ़ते जा रहे, मतलब गर्मी बढ़ते टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि समय से संसार का तापमान कम हो जाए और फिर से धरती पर एक नया युग आ जाए। इस तरह हमें कोशिश करनी चाहिए। समुद्र पर प्रदूषण का प्रभाव, समुद्र प्रभाव समुद्रों पर भी पड़ रहा है। सन 1921 में विख्यात वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकटरामन यूरोप की यात्रा पर गए थे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने भूमध्य सागर का चमचमाते नीले रंग को देखा था। इसी रंग के कारण उन्हें अनुसंधान की प्रेरणा मिली थी। लेकिन प्रदूषण के कारण भूमध्य सागर का गहरा नीला रंग आज भूरा होते जा रहा है। अतः ये तो प्रदूषण के कुछ उदाहरण थे। इसके अलावा यह विश्व भर की महान समस्या बनी हुई है। जैसे कि मानव ने भूमि, जल और वायु को विषैल कर दिया है। आज वह समय आज पहुंचा कि जब हमें अपने ही लिए पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट के दौरान पर्यावरण प्रदूषण के कई उपयुक्त कारण देखे गए हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते ही, जिसमें अकेला अमेरिका इस गैस की 25% मात्रा उत्पन्न करता है और अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में इस गैस की मात्रा काफ़ी कम है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यदि इस गैस की उत्पादन पर रोक ना लगाई गई तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी की सतह का तापमान 3 से 9 डिग्री बढ़ जाएगी और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पर्यावरण को महान खतरा पैदा हो गया है। उसी तरह DDT की जो एक जाना माना कीटनाशक है, जो एक सफ़ेद रंग के पाउडर के समान होता है, यह मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों, प्लेग और पीट ज्वर फैलाने वाले कीटाणुओं का विनाश कर देता है। द्वितीय विश्व युद्ध पर इसके बाद इस कीटनाशक का प्रयोग पूरे विश्व भर में रोगों से मुक्ति पाने के लिए किया गया था। इसके प्रयोग से मलेरिया जैसे घातक रोगों से लोगों को छुटकारा भी मिला है। इसके आविष्कारक पाल हरमन मूलर को 1948 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन सन 1972 में कई देशों की सरकारों ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि इसका कारण यह था कि इसके विषैल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर और दूसरे जीवों पर बुरा असर डालता है। प्रदूषण के तो मूल कारण यह हो सकते हैं, यह है कि पहला कारण तो यह है कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब दिन ब दिन हम करोड़ों में हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। औद्योगिक विकास, हमें प्रदूषण के इन कारणों से निपटना होगा और क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक विकास ही विश्व प्रदूषण के मूल कारण है। मतलब औद्योगिक मतलब फैक्ट्रीज, इनके जो कूड़ा कचरा हम नदी में फैला रहे हैं, वायु में फैला रहे हैं, है ना, समुद्र में मिला दे रहे हैं, इसी तरह यह सारे चीज़ों पर हमें रोक टोक रखनी चाहिए और इसका भी निवारण ढूंढना चाहिए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपके हो पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।